स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। आधुनिक हिंदी कविता का जो प्रारंभ है 1900 से सन 1883 ईस्वी से माना जाता है। यह जो काल है अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुंमुखी विकास हुआ। इस काल में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक आंदोलनों के फलस्वरूप हिंदी काव्य में नई चेतना विचारों ने जन्म लिया। साहित्य बहुआयामी क्षेत्रों को सहस्पर्श करने लगा। इस काल में धर्म, दर्शन, कला, साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोणों का आविर्भाव हुआ। आधुनिक हिंदी के विकास क्रम को विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को अनेक मतलब जो विद्वान है उन्होंने वर्गीकृत किया है, परंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, जैसे युग और अवधि। पहला है भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक और नई कविता 1950 से अब तक। ये तो हुआ हमारा आधुनिक हिंदी कविता का वर्गीकरण। अब आता है सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से 1900। भारतेंदु हिंदी कविता का जागरण काल है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारतेंदु हिंदी कविता का जागरण काल है, इस युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। पूछा जाता है कि प्रवेश द्वार हिंदी साहित्य का किसे माना जाता है, किस युग को तो प्रवेश द्वार माना जाता है भारतेंदु को। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस युग में देशोद्धार, राष्ट्र प्रेम, अतीत गरिमा आदि विषयों की ओर ध्यान दिया गया और कवियों की वाणी में राष्ट्रीयता का स्वर निर्धारित मतलब होने लगा। और इस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्दी नारायण, प्रेमघन, लाला सीताराम आदि प्रमुख रचनाकार हुए। ये हम पढ़ रहे थे भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आता है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचना, कवि और रचना। जैसे पहला दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम मल्लिका। फिर है दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर और सिंगारनाथ और भी इत्यादि रचनाएं और कवि हैं। दूसरा हम यहाँ पर हम युग पढ़ेंगे वह है द्विवेदी युग जो 1900 से 1920 तक, ठीक है। भारतेंदु युग के पश्चात द्विवेदी युग का प्रारंभ हुआ। इस युग की अवधि भारतेंदु युग की अपेक्षा कम मात्र 20 वर्ष है। द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है, द्विवेदी युग में खड़ी बोली कविता की संवाहिका बनी। काल में सामाजिक तथा पौराणिक विषयों का विस्तार हुआ। श्रीधर पाठक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिलोर, मैथिली शरण गुप्त, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामचरित उपाध्याय राम नरेश त्रिपाठी, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर, सत्यनारायण, कवि रत्न आदि विशेष उल्लेखनीय है। अब इसके बाद आता है छायावाद। क्या है यहाँ पर छायावाद 1920 से 1936। हिंदी कविता में आधुनिक तथा नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को प्रदान किया जाता है। हिंदी साहित्य में छायावाद द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया की उपज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में है। एक तो कवि उस अनंत अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम के अनेक प्रकार की व्यंजना करता है। दूसरा प्रयोग काव्य शैली में या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही क्या है छायावाद है। डॉक्टर
डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद का स्कूल के प्रति सूक्ष्मता विद्रोह माना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार मानस अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव ही छायावाद। अब आता है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां। छायावाद काल में पाई जाने वाली प्रवृत्तियों को मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला विषयगत, विचारगत और शैलीगत। तो पहला आता है विषयगत। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के व्यंजना है, नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति सौंदर्य और प्रेम व्यंजना और अलौकिक प्रेम या रहस्यवाद। फिर आता है विचारगत प्रवृत्तियां। छायावाद की विचारगत प्रवृत्तियां निम्नलिखित है। पहला, दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद एवं सर्वात्मकवाद। धर्म के क्षेत्र में रूढ़ियों बाहचारों के मुक्त व्यापक मानव हित चिंता। तीसरा, समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद। समाज के क्षेत्र में समन्वयवाद। फिर राजनीति के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एवं विश्व शांति का समर्थन। फिर आता है पारिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन के क्षेत्र में हृदय तत्व की प्रधानता। फिर साहित्य के क्षेत्र में व्यापक कलावाद और सौंदर्यवाद। अब आता है शैली की प्रवृत्ति। छायावाद शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी आते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि छायावाद की विशेषताएं। तो पहला आता है मुक्तक शैली, गीत शैली, मुक्तक गीत शैली। दूसरा आता है प्रतीकात्मकता। फिर आता है प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में सफल प्रयोग, कोमल काम, संस्कृत निष्ठ पदावली। फिर है गीत शैली के सभी प्रमुख तत्व, वैदिकता है ना, वैदिकता और भावात्मकता, संगीतात्मकता और संक्षिप्तता और कोमलता। ठीक है, ये क्या पढ़ा मैंने आपको, छायावाद शैली की विशेषता। ठीक है, यह प्रवृत्ति आप यहाँ पर आएगा कवि कौन से छायावाद के और उनकी रचना। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए हैं जयशंकर प्रसाद, विपि कामायनी, लहर, आंसू और झरना। फिर सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव, ग्रंथी, गुंजन, वीणा, उच्छुक वास। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, परिमल, अनिमा, अनामिका, तुलसीदास। महादेवी वर्मा, रश्मि, नीरजा, निहार, सांदिनी। फिर राम कुमार वर्मा, निशी, चित्रलेखा और आकाशनीमा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, ये छायावाद के आधार स्तंभ भी माने जाते हैं, मुख्य आधार स्तंभ जो है माने जाते हैं। फिर इसके बाद है रहस्यवाद। काल निर्धारण मतलब जो है कठिन, ये आता है रहस्यवाद। आचार्य नंद शुक्ल के शब्दों में चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद। बाबू मुरारा राय के शब्दों में प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप कर जड़ चेतन के एकीकरण की प्रवृत्ति के लाक्षणिक प्रयोगों को रहस्यवाद कहा जाता है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। ये अलग अलग कवियों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं कि रहस्यवाद की परिभाषा जो दी है। तो रहस्यवाद का अर्थ क्या है, रहस्यवाद का अर्थ होता है छिपी हुई बात। अतः रहस्यवाद का अर्थ हुआ कि वह विचारधारा या बात जिसका आधार अज्ञात है। हिंदी कविता में रहस्यवाद का काल निर्धारण करना कठिन है क्योंकि रहस्यवाद सृष्टि के आरंभ में से ही कवियों को प्रिय रहा है। अब आता है रहस्यवाद के प्रमुख लक्षण तीन। पहला, अद्वैतवादी विचारधारा की स्वीकृति। आत्मा और परमात्मा एक है, अभिन्न है। उस असीम शक्ति से रागात्मक संबंध की अनुभूति। फिर है भाषा के माध्यम से अनुभूतियों की अभिव्यक्ति। सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि और जायसी माने गए। रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो सबसे पहला आता है अद्वैतवादी मान्यता। फिर इसके बाद आता है दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वच्छता एवं पवित्रता और देन एवं आत्मसमर्पण की भावना, प्रतीकात्मकता और मुक्ता गीत शैली। तो इस प्रकार से रहस्यवाद की जो प्रवृत्तियां हैं या रहस्यवाद की जो विशेषताएं हैं ये मैंने
पढ़ेंगे प्रगतिवाद। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? प्रगतिवाद। राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वह काव्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद। प्रगति शब्द का अर्थ चलना, आगे बढ़ना, अर्थात यह वह बात है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। प्रगतिवाद में साम्यवादी दृष्टिकोण को साहित्यिक विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है या प्रवृत्तियां कौन सी है? दर्शन में जिसे दंडात्मक भौतिक विकासवाद माना गया है, राजनीति में जो साम्यवाद है वही साहित्य में क्या है? प्रगतिवाद। धर्म ईश्वर एवं परलोक का विरोध है। समाज में वर्ग संघर्ष को समाप्त करने के लिए भाग्यवादिता की मान्यता को नष्ट करना हो, क्योंकि शोषक वर्ग केवल भाग्य के बल पर ही शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार प्रगतिवादी कलाकारों ने किया है। शोषित वर्ग की दीन की दशा का यथार्थ चित्रण करके ही दोनों वर्गों का भेद स्पष्ट किया है। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। उसे रूपसी नायिका या राजगर्भों में पढ़ने वाले राजदुलारी नहीं वर मजदूरी करने वाली कृषक नन्ना के रूप में चित्रित किया गया। सरल शैली को अपनाकर अपनी रचनाओं को जन साधारण तक पहुंचाना ही इस प्रवृत्ति का प्रमुख उद्देश्य रहा। अब यहाँ दिया है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां 1943 से 1950। पहला, घोर व्यक्तिवाद। नई कविता का प्रमुख लक्ष्य निजी मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों का प्रकाशन है। वस्तुतः इन कविताओं में व्यक्तिवाद को अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। दूसरी, वृत्तियों का यथार्थ एवं चित्रण। जिन वृत्तियों को पहले साहित्य में अश्लील, असामाजिक, अस्वस्थ समझा जाता था उन्हीं कुंठाओं और वासनाओं का वर्णन प्रयोगवादी कविता में मिलता है। निराशावादिता इस धारा के कवि भूत भविष्य की प्रेरणा चिंता से मुक्त होकर केवल वर्तमान क्षण में ही जीना चाहते हैं। बौद्धिकता एवं रूपा इस युग की कविताएं हृदय की ना होकर मस्तिष्क की देह है, इसलिए भी वीनस है और शायद चिरस्थायी साहित्य संपदा भी ना हो। इन कविताओं में रागात्मकता के स्थान पर विचारात्मकता अधिक परिलक्षित होती है। इनका दावा है कि भले ही ये कविताएं हृदय पर प्रभाव न डाले किंतु बौद्धिकता में भी रस होता है। आता है नई कविता। क्या आता है यहाँ पर? नई कविता 1950 से अब तक। नई कविता भारतीय स्वाधीनता के अंतर लिखी गई उन कविताओं को कहा गया है जिन्होंने नए भाव बोधों, नए मूल्यों, नूतन विधान को अन्वेषित तथा स्थापित किया। नई कविता अपनी वस्तु छवि रूपायन में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद प्रयोगवाद की विकास नीति होकर भी अपने में सर्वथा विशिष्ट और असामान्य। नई कविता की प्रमुख वृत्तियां कुंठा, मंत्राम, मृत्युबोध, मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का जीवन के संकास एवं मृत्युबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण काल की कविताओं की पहचान है। वे में प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंदुओं की खोज की है। व्यंग प्रधान रचना इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों और एवं अनैतिकवादी मान्यताओं पर व्यंग एवं रचनाएं लिखी गई है। फिर है लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता के अब यहाँ पर आएगा नई कविता के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। कवि और रचनाएं भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, गीत खरोज, चकित कद्दू। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, काल तुझसे ओर है, मेरी इतने पास अपने बात बोलेगी हम नहीं, इत्यादि और भी कवि और उनकी रचना। यहाँ पर मैंने आपको आज आपको आधुनिक काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं उनको पढ़ाया और समझाया। आप इनके जो विशेषताएं हैं उनको याद कर लेंगे और कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।